बूटी दिएगा। हौली गल कर चाचा ना, सुन ले सवेरे पी के आया। फिर तो साडा वीर भाई है। अस्सलाम वालेकुम जी सोनियो, आज मैं तुहानू पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दे पहले डायमंड जुबली कॉमेडियन जनाब जुल्फी साहब दे बारे उन्हां दी पूरी कहानी तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। उम्मीद करना तुसीं साडे नाल जुड़े रहोगे। चैनल नाल मुहब्बतां नाल करो हां सबसक्राइब, ते यह बैल आइकन नूं वी टल्ली नूं वी खड़का लवो। कोई नहीं जांदा बेलियो, कोई पैसे नहीं लगदे, ताकि इस तरह दी वीडियो असीं जदों लाईए ते तुहाडे तक अपना ते तुसीं मुहब्बतां नाल सानूं नवाज सको। आओ फिर जुल्फी साहब की पूरी कहानी थोड़े नाल सांझी कर ले। और मुझ नाचिस फाइन फाइन फाइन, हमको मिस्टर लेमन बोलता है। जुल्फी साहब जी साठ दी दहाई दे एक नाम चीन नाम ते काम वाले, हां जी नाम ते काम वाले एक बहुत बड़े फनकार हुए ने, जिन्हां दा करी फिल्मी करियर ते एवें थोड़े अरसे तक मोहित रहा है, जिवें कोई 7-8 सालां दी कर। लेकिन जिन्ना भी उस बंदे ने काम किया ना, लाजवाब किया, कि उन्होंने सीन जो तो फिल्म च वेखी है ना, यकीन करो कि हासे जड़े अंदरों निकलते हैं। तो उन्होंने इन्ह 7-8 वरिया के घट्टो घट कोई 100 to 100 फिल्मों के काम किया, ते उन्हां दी काबलीयत दा उन्हां दे काबल होण दा ये मूंह बोल दा सबूत है सोणे, कि एक माड़े लिस्से जे मुंडे ने फिल्मां च आ के जनाबे लई थरथलियां पा दियां, धमालां पा के रख दित्ती, कि हर पासे फिर उन्हां दे नां दा डंका वजन लग पिया सी। हालांकि उस जमाने दे बहुत वड्डे वड्डे फनकार मजाइया फनकार मौजूद सन, जिन्हां विचों नजर साहब, ए शाह शिकारपुरी साहब, दिलजीत मिर्जा साहब, फिर आसिफ जाह साहब। लेकिन इन सब दे दरमियान आके इस बंदे ने खूब नाम बनाया अपना, ते अपने अपने काम दा लोहा मनवाया कि यार मैं भी कुछ है सोनी हूं। फिर अगली पौध भी जिहड़े मजाइया फनकारां दी अगली पौध, जिन्हां विचों रंगीला साहब, मुनव्वर जरीफ साहब, लहरी साहब, फिर खलीफा नज़ीर साहब, इन्हां सब दे विच भी जनाब बैली चढ़ाइयां रहियां अपने जमाने विच स्टार्ट दे, क्योंकि ये बाकी फनकार ते बाद तक भी चलते रहे ना, लेकिन उन्हों का करियर थोड़ा रहा क्योंकि उन्होंने डैथ हो गई सी, वो भी रीजन सारा कोई तुम वाकया सुनावे। लेकिन जिन्ना काम किया उन्होंने फनकारा के भी लगता से यार कि इन्हों तुम्हें घट नहीं है बंदा। तो बेलियो जुल्फी साहब की पहली फिल्म 1962 की है हुसनो इश्क, जिद ने अपना सोहना काम किया, जितों अगे सारी गल कम मिलना ता ही शुरू होंगे ना, जो पहली चज का काम किया है, तो जो पहली चीवें खर्चा मार रही हो तो दूसरी तुम्हें कौन काम देगा, उन्होंने कहना दफा करो ये कड़ा को बंदा है, इन्हें तो आता ही कुछ नहीं। लिहाजा इस बंदे ने दसिया कि फनकार भी कोई शै होंगी है, फन भी कोई चीज़ होंगी है, अदाकारी भी किसी आख्या जाता है। तो जो तो अदाकारी अंदरों निकलती है ना बंदे की, तो वेखन वाले बंदे फिर जड़े ना वो मुतासर होंगे ने, वो चीज़ा इन्होंने पाइया जा। फिर 1969 की जी इन फिल्म है जरका, जी कि पहली पाकिस्तान की डायमंड जुबली फिल्म जिन्होंने आख्या जाता है, उहदे विच बेहतरीन तो बेहतरीन जिहड़ा मेन विलन दा अपना मेन कॉमेडियन दा रोल वो इन्हां जुल्फी साहब ने अदा किया, तो अज तक आजाद अपने नाम नाल पक्का करवा लिया। वैसे जुल्फी साहब ने हाँ जुल्फी साहब का असल नाम जिहड़ा है ना वो जी चौधरी जुल्फकार अली है, लेकिन वो तुहानूं पता घरां च पुट्ठा नाम जुल्फी जिहनूं निकनेम कहिंदे ने वो सी, फिर फिल्मां विच वो ही अगे चलदा रहा। फिर इन्हां ने स्टार्ट ते अपना शुरुआत ते कीती है 60 दी दहाई च, लेकिन वो स्टार ते इन्हां नूं कोई वड्डा मेन रोल नहीं मिलिया, छोटे मोटे जिवें एक्सट्रा टाइप नहीं होंदे इस तरह का काम शाम करते रहे, लेकिन पिछे नहीं हटे लगे रहे। तो की आंदे होंदे ने वो फिर 12 साल बाद रूड़ी की भी सुनी जाती है, मतलब मिसाल एक पिंडा दिती जाती है कि लगे रहोगे तो कदी ना कदी भाग लग ही जाते होंगे ने, लिहाजा इन्हों भाग लग गए। फिर इन्होंने 62 तो बाद इन्होंने हुसनो इश्क तो जी 62 की फिल्म है, वो बाद 63 इन्होंने मौज मेला च अच्छा काम किया। फिर एक 66 की फिल्म है जी गवांडी, जिदे इन्हों का बहुत आला काम है, लेकिन यह फिल्म जी अजीबो गरीब मौजू से बनाई गई, पता नहीं हूँ ये क्यों इस मौजू से फिल्म बनाई गई कि जिन्हें खिलारे खिलार के रख दते, वजह जान लो की वजह बनी, तो क्यों इस तरह की फिल्म बनी, तो की लोड़ वाला पेश आ गई थी इन्होंने बनाने की। ये गवांडी फिल्म एक सियासी नोइय की एक फिल्म सी कि जिदे विखाया जाता है कि 47 तो पहले एक पिंड ना मुसलमान तो हिंदू ये मिल के रेंदे ने,
ठीक है। इन्हां दे विच एक गुड्डी गुड्डे गुड्डियां अडाण दा एक मुकाबला करवाया जांदा है, पतंगबाजी करवाई जांदी है, जिदे विच मुसलमान जिहड़े ओह तालिश ने मुसलमान दा रोल कीता है, ते शाह शिकारपुरी ने इहदे विच हिंदू दा रोल कीता है, जिहड़े कि ओह इन्हां दोनों ग्रुपां विच मुसलमान ते हिंदू रल के इन्हां ग्रुपां विच मुकाबलाबाजी हुंदी है पतंगबाजी दी। इन्हां ते फिर एक गाना पिक्चराइज होया है, जोड़ पै गया धन्ने की पतंग का ते मन्ने की पतंग का। फिर इन्हू मजहबी रंग दिता जाता है फिल्म दे विच कि बो काटा करवाया जाता, गुड़ियाँ कटिया जाने, रौला पै जाता है, फिर वह मुसलमान हिंदू होने के नाते इन्हां दे विच फिल्म च फसाद विखाया जाता है, लड़ाई झगड़े विखाए जाते हैं, नफरत विखाइया जा। हालांकि एको ही पंजाब के पिंड के रहने वाले की यह कहानी है मुसलमान तो हिंदुआ की, जबकि असी बजुर्गों को सुनिया कि जो 47 तो पहले जो मुसलमान तो सिख हिंदू खत्री बटवाल सब जिन्हें भी ने मजहब सब मिल के कट्ठे रेंदे सन, तो बड़िया मुहब्बत ना रेंदे। साडे पिंड बटवाल फैमलियां सन, बड़ा प्यार मुहब्बत सी लोगों का आपस में, नाल दे बड़े पिंड ने डुगरी ठरोए पर बांबे धीरो के, इन सब विच बहुत ज़्यादा खत्री सन, हिंदू रेंदे सन, तो बड़े आपस में प्यार मुहब्बत ना रेंदे सन। ए नाल साढ़े इधर गडगोर पिंड है, हाँ जी, हूँ तो टाउन बन गया, कस्बा बन गया, उत्थे साढ़े अबू और चाचे और दसते हैं कि उत्थे खत्री सन, अब्दरमान जिन्हों आख्या जाता, तो बहुत वड्डी दुकान सी उन्हां दी, हट सी जिथों सारे मुसलमान जाके सौदा लियांदे ते आधार दे छड़दे हुंदे, बड़ियां मुहब्बतां करदे सी लोकां नाल। लेकिन इस फिल्म गुआंढी दे विच जिहड़ियां ना इक्को ही पिंड दे रहण वाले लोगों के नफरतां विखाईआं गईआं, जिथों फिर अगे फसादात हुंदे ने। हुण पता नहीं इहदे विच राइटर डायरैक्टर ते प्रोड्यूसर ने की सोच के फिल्म बनाई जिहदे विच कहिंदे ने दो कौमी नज़रिया जिहड़ा है उहदा प्रचार कीता गया कि साडा ते इहनां नाल मिलदा कुछ नहीं। ओ यार वेखो तुहाडी बोली तुहाडा रहन सहन सारा मिलदा, ठीक, लेकिन पता नहीं यार क्यों ये नफरतां जिहड़ियां ने विखाईआं जांदीआं ने, जबकि इंसानों नाल तो जिहड़ा साडा मज़हब ते कहिंदा कि सब नाल प्यार करो मुहब्बत करो, इस्लाम ते वैसे ही मुहब्बत ते भाईचारे का दरस दिंदा, लेकिन मैनू लगता है कि यह मौजू जिहड़ा बहुत गलत सी। फिर इस गवांडी फिल्म विच अपना अदाकार जुल्फी साहब ते अदाकारा तराना ते एक गाना जिहड़ा ना पिक्चराइज होया, नी आवारा ते नहीं मैं, करमा मारा ते नहीं मैं, ते तराना जिहड़ी ओ एक ईरानी नयाद एक अदाकारा सी जिहड़ी कि बड़ी बोल्ड करैक्टर फिल्मां चों करदी रही, यानी कि नंगे पुंगे। फिर ओहदी वड्डे वड्डे जिहड़े सियासी बंदे ने उन्हां नाल बड़े ओहदे जनाबे दी तलका सी, जिवें कि जनरल याहिया खान दे बारे बड़ा मशहूर है कि ओह इन्हां जवान कुड़ियां दे अदाकारां दा बड़ा जिहड़ा ना ओह एक दीवाना सी रसिया सी, लिहाजा तराना दा वी ओह बड़ा आशक सी। ते तराना एक वारी दा वाकिया वी बल्कि मशहूर वाकिया है कि तराना जदों मिलण वास्ते आई उहनूं, हाँ जी, सियासी डेरे ते, ते उहनूं सिक्योरिटी जिहड़ा गार्ड सी फौजी उहनें सलाम नहीं कीता, सल्यूट नहीं मारिया। जदों अंदर याहिया खान नूं काफ़ी घंटे मिल के बाहर आई, जदों लंघन लगी है ना कार ते गुजरी है, उहनें सल्यूट मारिया, तराना खलो गई गड्डी रोक ली, उहनें कहा जदों मैं अंदर वड़ी सी उदों तां तूं मैनूं सल्यूट नहीं मारिया, हुण क्यों मारिया, की वजह? उहनें कहा जदों तुसीं अंदर गए सो उदों सिर्फ तराना सो, क्योंकि उहनां दा नां जी तराना सी अदाकार दा। उहनें कहा तुसीं वापस जदों साडे जरनैल नूं मिल के गई हो तां हुण तुसीं कौमी तराना बण चुकी आ, बड़ा मशहूर वाकया जी। उन्हें काफ़ी फिल्मों पाकिस्तान काम किया, दो फिल्मों बतौर हीरोइन भी उन्हें काम किया, डॉक्टर शैतान 1969 की, दूसरी जीन बोंड ऑपरेशन 008 कराची, लेकिन दोनों फिल्मों कामयाब नहीं हो सकी अगे। इस साल 66 की फिल्म गूंगा विच जुल्फी ने बहुत अच्छा काम किया, ये मसूद राणा का एक गाना भी पिक्चराइज होया, क्योंकि इस फिल्म में बड़ा माड़ा लिस्सा जिहा आशक हुंदा, इहदी जिहड़ी मशूका हुंदी उहदे 7 भरा चंगे हट्टे कट्टे ते पहलवान हुंदे ने, जिहड़ी उहनूं समझांदी है कि तू बंदे दा पुत्तर बण जा, मेरे 7 भरा ने मार मार हड्डियां तोड़ छड़ने दे, तेरी कल्ली जान, मेरे 7 ने भरा, डैडी तू इत्थों भज जा। ओह अगों की आंदा, आशकां नूं जुत्तियां दी नहीं परवाह, नहीं तू ना घबरा। फिर 1967 दी फिल्म नादरा दे विच जुल्फी मेन जिहड़ा कॉमेडियन सी फिल्म दा, जिदे नाल जोड़ी इन्हां दे नाल बनाई गई अदाकारा सीमा दी, ते इन्हां दे उत्ते फिर एक मजाइया गीत मसूद राणा दा फिल्म आया गया, अरियो लैला की खाला मेरा निकल गया दीवाला। फिर जी 1969 दा वरा आया, ते ये वह जमाना सी कि जदों इंतहाई अरूज दा जमाना सी, इंतहाई अरूज दा साल सी 1969 दा,
पर इसे साल ही इन्हों का इंतकाल भी हो जाता। पिछले तीनों वरिया विच लगन वाली फिल्मा इन्हों टोटल 50 रही, इस साल इन्हों दियां फिल्मा जिहड़ियां ने वो 2 दर्जन रिलीज़ होईयां जिहड़ियां इन्हों की वफात तो बाद च लगियां। 1969 की फिल्म शेरां दी जोड़ी इन्हों की लास्ट मूवी सी, जिदे विच इन्हां ते फिर मसूद राणा का एक गीत पिक्चराइज होया। इस फिल्म विच अदाकार रंगीला ते कुड़ियां सारियां पिंड दियां मरदियां ने, लेकिन ये नशाई का रोल किया जुल्फी ने, ये तो नशाई तो दूर भज दियां ने। इन्हां दी इस सिचुएशन ते एक गाना बड़ा आला बनिया, बड़ा मजाई आ जाए, किधरों मैं आवा तो किधरों मैं जावा, पिंड दियां कुड़ियां मल लैण रावा। ये रंगीला कहिंदा पिया, क्योंकि वो तो सारियां मरदियां होंदियां। अगों जिहड़े बोल पिक्चराइज होए ने इहदे ते जुल्फी ते, वह सुन लो, किधरों मैं आवा किधरों भी जावा, पिंड दियां कुड़ियां छड़ जाण रावा, यानी कि इहनूं छड़ के उहनूं कहिंदा रावा, छड़ जाणी भज जांदियां। फिर इसे साल 1969 की फिल्म जरका विच इन्हां ने जुल्फी ने एक शोभदाबाज का रोल किया, बहुत जबरदस्त रोल, वह भी इन्हां दा वेखण वाला। तो इस जरका फिल्म ने कराची विच जी 100 हफ्ते 1 सिनेमे ते चलन दा रिकॉर्ड बनाया। पर यह सब कुछ ऊंचाइया चढ़ाइया अरूज का जमाना जुल्फी साहब ने देखना नसीब ना होया, क्योंकि इस तो पहले फौत हो गए सी। फिर इसे साल की फिल्म दिलों के सौदे विच मरकजी मजाइया फनकार का रोल किया जुल्फी साहब ने, जेडे कि पंजाबी जबान नूं वगाड़ के बोलते हैं, वो लहजा फिर बड़े फनकार उस वेले कापी किया, बल्कि अज भी वह कापी किया जाता। फिर 1969 की हुई भट्टी बरादर की फिल्म जिंद जान, इन्हों मखौली अदाकारी कमाल अरूज ते, तो इन्हों का एक तकिया कलाम होंगे, एक डायलॉग होंगे जरा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, कि वाकफियत दवा के वक्त ही पा लिया, जरा कि बहुत ज़्यादा मकबूल होया, तो लोगों ने बड़ी दाद दी इस डायलॉग के उत्ते। फिर 1969 की फिल्म दिया और तूफान के इन्होंने बहुत अहम रोल किया अपने वक्त के 3 वड्डे फनकारां दे विच, रंगीला मुनव्वर ज़रीफ ते खलीफा नज़ीर दे विच इन्हां ने अहम रोल अदा किया। तो ये मेरा ख्याल है शायद तो वाहद फिल्म सी जुल्फी साहब की, कि जिदे पोस्टर के उत्ते जुल्फी की फोटो भी जी लाई गई। फिर 1970 की फिल्म मैरम दिल का, वो भी इन्होंने बहुत आला काम किया, जिदे हीरो सन एक बहुत व्डे उस वेले विलन मजर शाह हीरो बने, तो हीरो उन्होंने रानी जिन्हों वेख के जुल्फी ने आख्या ही यार तेनों तो हीरो बनना ही नहीं आया, यानी कि तुम्हें पता है कि मजर शाह के जेडे डायलॉग ने जड़िया बड़क ने बड़िया मशहूर सन, तो सारी उम्र तो उन्होंने वो काम किया, उस तरह की अदाकारी की थी, हूँ हीरो लोग ही किस तरह इन्हें तस्लीम कर लेंगे, लिहाजा वो बतौर हीरो कामयाब ना होए। फिर 70 की फिल्म मुहल्लेदार इन्हों की लगी इन्हों की वफात तो बाद, जिदे इन्हों की जोड़ी अदाकारा सीमा ना बनी, ये भी इन्हों का रोल शानदार है। ये समझो कि इन्होंने एक रोल जिमें हीरो टाइप रोल ही होंगे, इस तरह का तगड़ा जानदार रोल से। फिर 70 की बहुत वड्डी फिल्म जी अज भी बल्कि बहुत वड्डी फिल्म है हीर रांझा। हीर रांझा तो इंडिया पाकिस्तान बड़िया फिल्मा बनिया, लेकिन सब तो जी बेहतरीन फिल्म पसंद की जाती है वो एजाज ते फिरदौस की है। उहदे विच भी जदों सईदा खेड़ा मुनव्वर ज़रीफ जंज लै के आउंदा, दूल्हा बन के आउंदा, लाड़ा बन के आउंदा, ते आ के बैठे ने फिरदौस दे घर, जिथे वो पानी आ के शरबत ले आ के पियांदा, कौन वाला जुल्फी। ये छोटा सारा रोल होंदा हीर रांझा फिल्म विच जुल्फी का, लेकिन चूंकि फिल्म बहुत ज़्यादा वड्डी सी, लिहाजा इन्हों का रोल भी जिहड़ा ना वह भी क्लिक कर गया। तो जुल्फी का जिहड़ा आखिरी सीन सी किसी फिल्म विच, वह जी 1972 विच रिलीज़ होने वाली फिल्म परदेस, जिदे विच रंगीला दे नाल इन्हां ते एक गाना शूट होया सी, हैलो हैलो चा 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 एक शलिंगो देता जा। अदाकार हबीब दी बतौर फिल्म साज, बतौर एज ए प्रोड्यूसर उन्हां दी वो फिल्म परदेस सी, कि जिहदी शूटिंग वास्ते लंदन जाण वाले सन, ते समझो कि इन्हां नूं जिहड़ा हार्ट अटैक आ गया, ते खालके हकीकी नूं जा मिले 11 सितंबर 1969 विच, जदों इहदी शूट ते काम करना सी। ये फिल्म जिहड़ी अगे फिर 1972 विच जा के लगी। ये जी कहानी है चौधरी जुल्फकार अली उर्फ जुल्फी साहब दी। बाकी इन्हां दियां जिहड़ियां ने कोई निजी लाइफ जिहड़ी है, बहुत सारी मालूमात कितों नहीं सानूं मिल सकी, बहुत कोशिश दे बावजूद उन्हां दा फिल्मी सफरनामा तुहाडे सामने रख दिता है। उम्मीद है तुसीं पसंद करोगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हां दे जुल्फी साहब दे दर्जात बुलंद फरमाए, जाने अनजाने जो खतावां गलतियां हुई ने अल्लाह दी जात माफ़ फरमाए। सोहणियां दी इजाज़तां, किसी होर जानकारी दे नाल तुहाडी सेवा चाहुंदे आं। रब रखा जी।